आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक गांव में दो जातियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। पत्थर और लाठी डंडे चले। मामला छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। देखते ही देखते गोलियां चलने लगी, लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। घटना सीतापुर के पिसावा इलाके, जहां एक धान काटने की मशीन रखने को लेकर पुनीत यादव और मयंक दीक्षित के बीच झगड़े की शुरुआत हुई, जिसके बाद लाठी गोली सब कुछ चल गई। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। मौके से मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। थाना पिसावा के गांव मोहम्मदाबाद में दो परिवारों में आज एक ढेलेबाजी पत्थरबाजी हुई थी। उसमें एक पक्ष ने फायरिंग हवाई फायरिंग किया है, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। दोनों पक्षों में से चार को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने पर लाया गया है। मुकदमा लिख के उनको हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं। घटना के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हुई कि एक धान काटने की मशीन आज एक परिवार लेके आया था और ये लोग अपने घर के पास खड़े कर इसी बात को लेकर एक पक्ष ने विरोध किया था। पहले बच्चों में मारपीट हुई हुआ और बाद में बड़े लोग आ गए। उसमें से एक व्यक्ति जो वीडियो जो फुटेज है उसमें हवाई फायरिंग करते हुए दिख रहा है, उसे हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। शेष जो भी झगड़े में सम्मिलित थे उनमें से चार अरेस्ट होकर थाने पे आ चुके हैं। जो इलीगल वेपन हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। मुकदमा लिख के सबको हम लोग जेल भेज रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कोई वहां पर समस्या नहीं है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम फकीर आजम।